नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में SW24 न्यूज मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व बसपा नेता, पूर्व महासचिव भगवान बड़ोले। बड़ोले जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। एक लंबा अरसा आपने बसपा में गुजारा है जी। तकरीबन 2.5 दशक तक आप बसपा के नेता रहे जी। मध्य प्रदेश का प्रभार भी रहा आपके पास चुनावी जी। महासचिव के पद पे आप रहे, अनेक पदों को आप पदों पे रह के आपने बसपा का काम किया जी। एकाएक बसपा से मोह भंग होने का क्या कारण रहा आपका? एकाएक बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग नहीं हुआ है, मैंने जानबूझकर इस्तीफा दिया है। क्योंकि मैं जिस उद्देश्य से माननीय साहब कांसीराम साहब की विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी में अपनी शिक्षक की सांस की नौकरी 16.5 साल की छोड़कर इस उद्देश्य से गया था कि बहुजन समाज में रहकर अपने दलित पीड़ित शोषित समाज के लोगों की सेवा करूँगा, और माननीय साहब कांसीराम साहब की जो सोच थी वो सोच के विचार से मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ था। लगभग 25 सालों से अधिक तक मैंने काम किया। लेकिन अभी वर्तमान में जो माननीय साहब कांसीराम साहब के चले जाने के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति थी, अचानक बदल कर उसको सर्वजन हिताय सर्वजन की नीति बना दी, तब से मुझे ऐसा लगा कि कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ होने के साथ पर मध्य प्रदेश के अंदर करीब 20 से 25 नेता बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, बड़े बड़े पदों पर रह चुके थे, विधायक और सांसद थे। लगभग सभी के सभी वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको किसी से भी बहन कुमारी मायावती जी ने प्रश्न नहीं किया कि आप लोग क्यों जा रहे हो। मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें अब गलत समय में यहाँ काम करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने मोह भंग नहीं हुआ, मैंने जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी की। मतलब आपका स्पष्ट आरोप है कि मायावती, आज की जो मायावती की बसपा है वो अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से परे राजनीति में काम कर रही। देखो, बहन कुमारी मायावती जी अम्बेडकर को लेकर तो चलती है, लेकिन वास्तव में अम्बेडकरवाद जो है अब एक जगह नहीं टिका है, अम्बेडकरवाद तो कई जगह चला गया है, और अम्बेडकर को मानने वालों की संख्या भी अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर बन चुकी है। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, वो विश्व के 128 देशों में उनकी जयंती मनाई जाती है, और विश्व में वो पहले नंबर के ऐसे महापुरुष हैं जिनको मानते हैं। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी अम्बेडकरवाद को लेकर जो चल रहा था मामला, आज वो अम्बेडकरवाद के जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति लेकर चल रही है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से अलग हो चुकी है। वर्तमान राजनीति जो चल रही है जी, उस स्थिति में आप बोल रहे हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लगभग हर राजनीतिक दल ये नारा देता है और अपने आप को अम्बेडकर जी का अनुगामी भी बताता है जी। भाजपा और कांग्रेस भी इसी नीति पे चलने का दावा करते हैं। भाजपा कांग्रेस शुरू से सर्वजन हिताय सर्वजन की नीति पे चल रही है। मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी वर्तमान में जो उनके कार्य हैं वो अम्बेडकर जी की लाइन पे ही चल रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं। वो 15-14 अप्रैल को जब वो जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ही आज देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तो भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, कांग्रेस पार्टी भी मानती है, और सपा भी मानती है, और बसपा भी मानती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानना हर दल की, हर कांग्रेस के, हर नेता की, हर भारतीय जनता पार्टी हर नेता की मजबूरी है, मानेंगे उनको क्योंकि देश के संविधान के निर्माता हैं। देखिए, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल उनको मान रहे हैं, दूसरा आप बोल रहे हैं कि वो मान्यता जो है मजबूरी में दी जा रही है। मैंने कब बोला से मजबूरी? तो एक तरह से ये नहीं माना जा मजबूरी में नहीं है, भारत के संविधान का निर्माता है। नहीं, भारत के संविधान का निर्माता है, हर दल को, हर नागरिक को, हर संप्रदाय को, हर धर्म और जाति के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानना चाहिए। अभी वर्तमान में जो संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है जी, कल के दिन 28 तारीख को, उसको लेकर के लगभग कांग्रेस के नेतृत्व में 20 विपक्षी जो दल हैं, आम आदमी पार्टी है, JDU है, ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो कि विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना था जो कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। निश्चित उनकी मांग सही तो है। हम संसद
भवन का जो कार्यक्रम है, भारत एक लोकतंत्र का मंदिर है, अगर छोटा सा एक कोई घर बना हो और उसमें अगर एक मूर्ति स्थापित कर दी जाए तो ये माना जाता है कि वो भवन मंदिर हो गया और उसके अंदर जो मूर्ति है वो उसकी आत्मा है। आज जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है वो भी एक लोकतंत्र का मंदिर है और उसके अंदर अगर संविधान रखा है यानी बाबा साहब की आत्मा उसमें अंदर है, इस स्थिति में ये जो विपक्षी विरोध कर रहे हैं कहाँ तक सही है? जो विपक्षी दल जो कांग्रेस सहित जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध वाजिब है, लेकिन फिर भी भारत का संसद भवन जो नया बना है उसके कार्यक्रम में सारे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि भारत का जो देश है वो भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है उसके संविधान के तहत बना है। और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये जो मांग चल रही है विपक्षी लोगों की, पूरे देश की मांग है कि जो भवन संसद भवन बना है नया उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर भवन होना चाहिए, ये मांग मैं भी करता हूँ। लेकिन विरोध के बावजूद भी ये देश का मामला है, संसद भवन हमारे देश में नया बना है, वो संसद भवन के उद्घाटन में सारे विपक्षी दलों को जिन्होंने विरोध किया उनको जाना चाहिए। आरक्षण को लेकर बसपा में रहते हुए आपकी जो सोच थी, जो विचार था कि आरक्षण सही है, आरक्षण यूँ भी उन वर्गों को मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पीछे रहे हैं, उनको एक बराबर की कतार में खड़ा करने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल बाद ये समाप्त कर दिया जाए, लेकिन देखा ये जा रहा है कि उस आरक्षण के आड़ में सबसे ज़्यादा क्रीमिनल एयर उसका फ़ायदा ले रहा है। देखो आज अगर वो आरक्षण का लाभ लेके कलेक्टर बन गया तो उसके बच्चों को भी मिल रहा है। इस स्थिति में वो सही लोग, वो दलित वर्ग से हो या जो भी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है। तो अब आपको आपके आरक्षण को लेके क्या विचारधारा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है वो दो प्रकार का आरक्षण दिया है, एक राजनीतिक आरक्षण दिया है, एक शासकीय नौकरियों में आरक्षण दिया है। तो जो 10 साल वाली जो बात आप बता रहे हो ये परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राजनीति में आरक्षण दिया है, हर 10 साल के बाद उसकी समीक्षा होगी और 10 साल के बाद में किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो उन्होंने 10 साल उसको बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में वो 10 साल वाली बात है वो राजनीति की है। और इस देश के अंदर दबे कुचले समाज के लोगों, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को जो आरक्षण मिला है अभी उनको बराबर उस आरक्षण की पूर्ति नहीं है, इसलिए उसका आरक्षण को जारी रखना चाहिए और आरक्षण के मैं पक्ष में हूँ। नहीं, पर इसके आड़ में जो मैंने बताया कि जो उसका लाभ लेके अपने जीवन स्तर को सुधार चुके हैं वो आज भी उसका लाभ ले रहे हैं। इस ये काम तो संसद का है। वो जो सही में दलित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से हर वर्ग हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है, वो पिछड़ा ही है क्योंकि उसके जो प्रतिशत है उस तक वो लाभ पहुँच नहीं पाता। उसकी समीक्षा होना चाहिए, लेकिन आरक्षण के ऊपर प्रतिबंध लगाना अच्छी बात नहीं, आरक्षण जारी रहना चाहिए और उसकी समीक्षा होना चाहिए। भगवान बड़ोली जी, एक लंबा राजनीतिक आपका अनुभव रहा है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने जीवन की शुरुआत की जी, कुछ समय बाद आपने वो नौकरी छोड़ी और आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए जी। आप जब शामिल हुए तब बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं था, लेकिन एक टीम बनी आपकी जी प्रदेश में, आप लोगों ने फूल सिंह बरैया जो पूर्व विधायक भी काम किया के, उन लोगों ने मिलकर काम किया और तकरीबन उस समय मैं समझता हूँ 6 से 9 विधायक हुआ करते थे, 11 विधायक प्रदेश में हुआ करते थे, लेकिन आज ये शून्य क्यों है? और जो विधायक आए थे वो भी, यही मैंने पहली बार आपको बोला कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नेता जा रहे हैं उनको नहीं पूछती है या उसने पूछवाया भी नहीं जाता कि आप क्यों जा रहे हो, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति लोगों को समझ में नहीं आ रही है या उससे नाराज़ हो रहे हैं, इसलिए आज की तारीख में जो 11 विधायक थे तो अभी 2 विधायक हैं वर्तमान में, और 11% वोट थे उस समय जब मैं बहुजन समाज पार्टी शामिल की, आज की तारीख में 2% के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते ही हैं कि 2% के आसपास वोट बनकर रह चुका है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति से देश में और प्रदेश के अंदर लोग नाराज़ हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में रिजल्ट कम आया है। यानी ये देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश से एक तरह से बसपा का पूरा नियंत्रण चलता है, तो मायावती जी और उनके साथ में जो सेकंड लॉबी है, जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह से अन्य प्रदेशों में ध्यान नहीं दे रहे हैं बसपा के? नहीं, मध्य प्रदेश पे जैसे उत्तर प्रदेश के ही लोग जो नेता होते हैं उनको प्रभारी बनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नेता आते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रभारी बनके, वो सही बात बहन कुमारी मायावती जी के सामने रखते भी नहीं, ऐसा मेरा सोचना है। जैसे मैंने बहुजन समाज पार्टी 10 दिसंबर 2022 को छोड़ी, तो छोड़ने के बाद में मैंने अपना इस्तीफा लिखित में दिया, डाक से दिया, रजिस्टर डाक से दिया, बहन जी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है,
लेकिन मेरे छोड़ने के बाद भी यहाँ के जो प्रभारी राम जी गौतम जी जो सांसद है, उन्होंने बहन जी तक अपनी बात को पूरी तरह रखी नहीं कि भगवान बड़ो ने नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी शामिल की थी और उन्होंने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी को सहयोग किया, आर्थिक रूप से भी मैंने सहयोग किया, नौकरी छोड़ी, इसके बावजूद मेरी कोई बात वहाँ रखी नहीं है। तो मैं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो प्रभारी बना के लाए जाते हैं या आते हैं उनका कोई ध्यान यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आपने प्रदेश प्रभारी थे मध्य प्रदेश के बसपा के, जो उनके सामने अपनी बात रखी लेकिन वो बात मायावती जी तक पहुंच नहीं पाई, नहीं पहुंच। इस स्थिति में क्या आपने कोई प्रयास किया कि आप सीधे जाके मायावती जी से वहाँ पर सीधा तो कोई मिल नहीं सकता? नहीं 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 नहीं, बहन कुमारी मायावती जी के पास कोई भी सीधा नहीं मिल सकता, उंगली पकड़ के किसी को ले जाना पड़ेगा और जाके वो मिलवाएगा कि ये नेता है तो जा सकते हैं वहाँ पर, ऐसा सीधा जाने का तो कोई प्रावधान ही नहीं। तो अंततः आपने बसपा छोड़ दी? बिल्कुल छोड़। बसपा छोड़ने के बाद भी आपने जिससे बताया अंबेडकर वादी हैं आप और वो देखो धारा आपकी जुड़ी अब मेरे दिमाग में दिल में और मेरे आसपास को जो वातावरण बना है वो अंबेडकरवाद को लेकर बना है। तो 10 दिसंबर 2022 को मैंने जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो तत्काल मैंने 20 दिसंबर 2022 को ही डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच बनाया और उसका मैं संस्थापक हूँ और जिसके 4-5 कार्यक्रम हो चुके हैं। अभी अभी मेरा एक कार्यक्रम हुआ है 21 मई को और मैं चाहता हूं कि खरगोन ज़िले में कम से कम 10-12 कार्यक्रम अच्छे से करवा के मेरी जो विचारधारा है उसको वहां तक मैं फैलाऊंगा। आपने कहा कि अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से आप अपनी विचारधारा फैला रहे हैं और उसका आपने गठन किया, स्वयं आप संस्थापक भी हैं उसके, इसमें जो युवा जुड़ रहे हैं जी उसमें कई लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं जी, तो इस स्थिति में आप जो अंबेडकर विचार मंच जो शुद्ध अंबेडकर जी के आप विचारों का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये जो राजनीतिक दलों की विचारधारा से पूरी तरह विमुक्त जो युवा आ रहे हैं तो कैसे आप आगे नहीं नहीं, नहीं नहीं देखो एक बात बताओ, डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच जो है परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को फैलाने के लिए किसी भी दल का आदमी कार्यकर्ता पदाधिकारी आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ और किसी भी संगठन का भी व्यक्ति आता है तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनको बैठ के समझाता हूँ कि भाई देखो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमको पानी पीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार और यहाँ तक कि नौकरी में जाने का अधिकार हमको दिया है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे भलाई हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, सबको इस देश के अंदर वोट डालने का अधिकार दिया है। ऐसी विचारधारा उनके बीच में मैं रखता हूँ और उनको समझाता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी व्यक्ति विशेष का, किसी दल का वो प्रभावी महापुरुष नहीं है, वो सभी लोगों के लिए हैं, सभी भारत के लिए है, सभी संप्रदाय के लिए है, सभी जात पात के लिए है, सभी पार्टियों के लिए है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को बड़े पैमाने पर फैलाना चाहिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबको जानना चाहिए। इसलिए मैं सभी पार्टी के, दल के और संगठन के लोगों को शामिल करता हूँ, उनको बात समझ में आती है तो काम करते हैं। ये सही है, अंबेडकर पूरे भारत के लिए हैं और हर युवा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जानना चाहिए और उनको समझना चाहिए। फिलहाल हम इस चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं बसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रदेश प्रभारी भगवान बड़ोले से, जो वर्तमान में बाबा भीमराव अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से अपने बाबा साहब के विचारों को लेकर समाज में जा रहे हैं और युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो इस संगठन के संस्थापक भी हैं जी। बड़ोले जी आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। जिस समय आप राजनीति में प्रवेश किया, आपने एक अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद आपने एक अच्छी शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ले, आपने वो हासिल करी भी, लेकिन एकाएक आपने उसको छोड़ कर के राजनीति में आ गए, ऐसा क्या हुआ? देखो मैंने बचपन में भी संघर्ष किया है और संघर्ष करते मेरे परिवार में भी संघर्ष किया, माँ बाप ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पढ़ाया भी, अच्छा पढ़ाया। पढ़ने के बाद में मैं शिक्षक की नौकरी पर चला गया, लगभग 16.5 साल की मेरी नौकरी हुई
और मान्यवर साहब कांसीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद में दिल्ली, भोपाल, रायपुर, जबलपुर तमाम बड़े बड़े शहरों में उनका कैडर कैंप लगता था, उन कैडर कैंप में शामिल होता था। शामिल होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ और समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना में लाना चाहिए, और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए कि बिना राजनीति के देश चलना नहीं है, देश चलेगा तो नेता से चलेगा, देश चलेगा राजनीति से चलेगा, इसलिए राजनीति में भी हमारे समाज को लाना चाहिए। तो ऐसा सोच कर और समझ कर मैंने अपनी 1998 को शिक्षक पद से नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद माननीय साहब कांसीराम साहब ने कहा था कि आपको अपने समाज के भले के लिए आप लोगों को नौकरी छोड़ना चाहिए, तो मैंने नौकरी साहब कांसीराम साहब के कहने पर मैंने छोड़ दी। मध्य प्रदेश में उस समय भाजपा और कांग्रेस दो ही राजनीतिक दल थे, दोनों का ही वर्चस्व रहा, फिलहाल में भी देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक दलों का वर्चस्व है, वही आपस में चुनाव लड़ते हैं और उसी में से कोई इस प्रदेश में सरकार बना पाता है। जिस समय आपने बसपा ज्वाइन करी उस समय बसपा का कोई जनाधार नहीं था प्रदेश में, उस समय भी जनाधार उस समय तो था माननीय साहब कांसीराम साहब के बाद भी आप बसपा में, और उस समय 11 विधायक हुआ करते थे, दो बार 11 विधायक हुए थे और 11% वोट से ज़्यादा वोट भी थे। उस समय के जो नेता थे बहुजन समाज पार्टी के वो बड़े अच्छे लोग थे और सब नेताओं को लेकर चलते थे, कार्यकर्ताओं को लेकर चलते थे, हर क्षेत्र में जाते थे, और शुरू शुरू की वो राजनीति बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी थी, और उसमें ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों के कारण हम लोगों को माइक पकड़ने का, हमको बोलने का, कपड़े पहनने का, तमीज़ सीखने का ये तो अवसर मिला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में माननीय साहब कांसीराम साहब के चले जाने के बाद अचानक जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की पूरी जो थीम है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास में आई, तब से बीएसपी कमज़ोर होती चली गई है। अब जिन लोगों को राजनीति करना है, जिनका क्षेत्र ही राजनीति है, तो उन्होंने बसपा छोड़कर कहीं बीजेपी में गए हैं, कहीं कांग्रेस में गए हैं। मायावती जी के पास जैसे ही बसपा की कमान आई कुछ समय बाद वो मुख्यमंत्री भी रही प्रदेश की, चार बार रही। उन पर बार बार ये भी आरोप लगे कि वो पैसों को ज़्यादा अहमियत देती हैं, बसपा में जो टिकट हैं वो बिकते हैं, बसपा में उन्हीं लोगों को ऊपर लाया जाता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। अब ये तो इन आरोपों को लेकर कई बसपा को छोड़ कर अन्य राजनीतिक दलों में भी शामिल हुए। हाँ हुए, अब ये तो अब आरोप तो मैंने भी मीडिया में भी देखे, जैसे नोटों की माला पहनते थे, नोटों की माला तो पहनाते थे, नोटों की माला तो भाव को, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक होता था? नहीं कुछ नहीं है, लोगों को दिखाना है कि देखो मैं नोटों की माला भी पहनती हूँ, है ऐसा। और जो आपने टिकट में हमने बताया कि टिकट बंटवारे में भी आर्थिक, अपने सामने ऐसा कोई ऐसा वो रोल नहीं है, देखा नहीं है कि टिकट पेपर में जरूर पढ़ा है, समाचार पत्रों में पढ़ा है, मीडिया में भी देखा है कि टिकट पैसा लेके दिया जाए, लेकिन मेरे ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। मध्य प्रदेश में भी आप प्रदेश प्रभारी हैं, आपने खुद ने विधायक का चुनाव भी लड़ा है। जी जी लड़ा, बड़वा से लड़ा, बड़वा से। तो इस दौरान ऐसी कोई नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपने जब बसपा छोड़ी उसके बाद क्या बसपा के नेताओं ने आपसे संपर्क की, क्या आपसे वापस? हाँ, बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद में किसी भी नेता से ने मेरे संपर्क नहीं किया, और मैं सोचता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस में जितने भी नेता गए 20-25 लोग, उनसे भी किसी से भी उन्होंने संपर्क नहीं किया अभी तक, चाहे रामलखन पटेल जी हो, विद्यावती पटेल जी हो, चाहे उषा चौधरी जी हो, चाहे अपने शीला त्यागी जी हो, या अपने सांसद जी जो पूर्व हैं पटेल जी हो, इन लोगों से किसी भी उन्होंने संपर्क नहीं किया। सुनील बोरसे जी हैं जो अभी भी प्रदेश के महामंत्री हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक काम किया था, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की। आपका भी एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा, धरातल से आपने राजनीति शुरू की और निमाड़ क्षेत्र को आप अच्छे से पहचानते भी हैं जी। क्या निमाड़ के कोई नेताओं ने या प्रदेश के भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने आप पर अभी तक कोई राजनीतिक डोरे डालने का प्रयास 10 दिसंबर किया को या कोई संपर्क हुए हैं आपके 10 दिसंबर 2022 को? जब आप क्या सोचते हैं, आप राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं या अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से ही? देखो, मैंने जो डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच बनाए, संस्थापक हूँ मैं उसका, मैं उसको फैलाऊंगा, उसको चलाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार से मैं दूर नहीं रह सकता हूँ, और इसी बीच में 10 दिसंबर 2022 को जैसे मैंने बहुजन समाज पार्टी इस्तीफा दिया, तो कई राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस विशेष तौर से मेरे संपर्क में अभी भी हैं, उन लोगों से मेरी चर्चा भी होती रहती है, वो लोग मेरे कई नेता ऐसे भी जो मेरे घर तक भी आ चुके हैं, और वो चाहते कि भगवान बड़ोले बहुत अच्छे नेता है, अच्छा व्यवहार है और समाज में अच्छी पकड़ है, वो हमारी पार्टी के साथ आ जाए, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ आए, इसलिए मैं 4-5 महीने का समय निकाला है किस पार्टी के साथ जाना है, मैं विचार विमर्श करके जाना तो है, मुझे राजनीति करना है और राजनीति में करूँगा।
क्योंकि मुझे राजनीति करते आती है, मेरे समाज में पकड़ है, युवाओं में पकड़ है, मैं अच्छे से तर्कशील बात कर रखता हूँ, इसलिए मुझे राजनीति करना चाहिए, क्योंकि राजनीति के लिए मैं नौकरी छोड़ी है। तो मैं घर जाके बैठ जाऊँ और तमाम लोग कहें कि वो तो ख़त्म हो गया, तो मैं ख़त्म होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। राजनीतिक दलों ने आपसे संपर्क किया, जैसे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेताओं ने आपसे संपर्क किया और आपसे पार्टी में आने के लिए भी बातचीत की होगी जी, आपने उनके सामने कौन सी बात रखी, आप किस आधार को लेकर राजनीतिक दल में जाएंगे? पहली बात तो मैंने ये रखी कि देखो, मैं 25 साल तक बहुजन समाज पार्टी में काम किया है, मैं सबसे पहले मान सम्मान को मैं स्थान देता हूँ कि जिस पार्टी में मैं जाऊँ पहले तो मान सम्मान होना चाहिए, और जिस कद के हिसाब से मेरा जो पद बनता है उस कद के हिसाब से मुझे भी पद भी दिया जाए। तो लगभग दोनों पार्टियों ने कहा कि नहीं, देखते हम। प्रदेश में इस समय जो दलित समाज की स्थिति है जी, आप पिछले दौर से अभी बेहतर पाते हैं और अभी क्या कमियां उसमें बाकी हैं? अभी तो दलित समाज में विकास की बहुत सारी बातें बाकी हैं, क्योंकि पढ़ लिख गए हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई की मार झेल रही हैं, तो उनके घर में कमाने वाला एक ही आदमी है तो पूरे परिवार को पालता है। अब उस उम्मीद से वो पड़ गया है कि मेरी नौकरी लग जाएगी, तो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच के माध्यम से उनको ये भी समझाया जाए कि आप लोगों को अपने अपने कामों पे भी ध्यान देना, रोजगार पे भी ध्यान देना, छोटे छोटे रोजगार भी खोलना चाहिए, नौकरियाँ लगेगी जब नौकरियाँ भी कर लेना, लेकिन अभी की स्थिति में हम लोगों को छोटे छोटे काम को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, आप जो बात बता रहे हैं शिक्षा और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लेकर, ये चीज़ें तो हम आज़ादी के बाद से सुनते आ रहे हैं, तकरीबन हम देखें तो 60 साल से ऊपर हो गए इन्हीं चीज़ों को सुनते हुए। तो समाज में प्रोत्साहन की कमी आ रही है या राजनीतिक रूप से उनको आगे लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कमी आखिर कहाँ है जो आज भी हम दलित समाज को लेके यही बात करते हैं कि उनमें शिक्षा की कमी है, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, क्या कारण रहे? शिक्षा के क्षेत्र में तो थोड़ा सा आगे तो बढ़ा है जी, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकारों को चाहिए कि उन लोगों के लिए अच्छी सी कोई योजनाएं बने और उनको आर्थिक लाभ मिले, ऐसी योजनाएं तो बनना चाहिए, और कोई भी सरकार आएगी तो उनको बनाना ही चाहिए। प्रदेश में जो अभी के राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं जी, उस स्थिति में आगामी जो विधानसभा चुनाव अब एक तरह से समय नज़दीक आते जा रहा है, इस स्थिति में भाजपा आज सत्ता में, आप उसको कितना बेहतर मानते हैं उसकी जो कांग्रेस से लड़ाई है, तो उसमें कौन सा दल आगे रह सकता है? देखो, क्यों, मध्य प्रदेश में तो अभी बीजेपी कांग्रेस का ही वर्चस्व है, वो लगभग बराबरी पर है। लेकिन अब लड़ाई शुरू हो गई है ना, लाडली बहना के 1000 तो नारी सम्मान के 1500, अब तो ये जनता इन आर्थिक आधारों को देखेगी या विकास के आधार को देखेगी? देखो, पब्लिक में दो प्रकार के लोग रहते हैं, कि सरकारों ने जो घोषणा की है उस पर भी उनका ध्यान रहता है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू होती है उनके ऊपर भी ध्यान रहता है, तो वो दोनों को लाभ लेना चाहती है। अब दोनों को लाभ लेना चाहती है, जो परिस्थितियाँ जैसी बनेगी उस दल को वो आगे लाएंगे। नहीं, लेकिन आप एक राजनीतिक, आपका अनुभव रहा है जी, आज ये जो फ्री की शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने, मोदी जी ने कहा रेवड़ी बांट रहे हैं, कांग्रेस ने भी समय आने पे कभी कभी उन चीज़ों का विरोध करा, लेकिन अब देखा जाए तो वो सभी राजनीतिक दल उस आम आदमी पार्टी की परिपाटी पर ही चल निकले, किसी न किसी प्रकार से वो लोग फ्री देने का काम कर रहे हैं। इस स्थिति में जो प्रदेशों की आर्थिक स्थिति है, प्रदेशों पे जो आर्थिक कर्ज है, तो ये प्रदेश आखिर कहाँ जाके रुकेंगे? आने वाला समय आप नहीं मानते कि अगर यही योजना इस तरह से फ्री की चला करें तो आज से 20 साल 30 साल बाद प्रदेशों की स्थिति बदहाल हो जाएगी आर्थिक रूप से? अब ये तो सरकारों को सोचना चाहिए। नहीं, एक एक राजनेता होने के नाते आप क्या समझते हैं कि कितना उचित है और कितना अनुचित है? समय परिस्थिति के अनुसार तो जो योजनाएं जो लागू कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दल हैं, कोई तीसरा दल तो प्रभाव में है ही नहीं, कंपटीशन में है, तो अब एक दूसरे की बराबरी करने के लिए योजनाओं का ये घोषणाएं करते हैं ताकि विधानसभा जो आ रहा है 2023 उसका लाभ मिल पाए। तो मेरा ये सोचना है कि ये जो कर रहे हैं वो एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, भाई इतना मेरा सोचना है। प्रदेश में एक सांप्रदायिकता को लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है चुनाव में, सांप्रदायिक जो एक दूसरे में वैमनस्य पैदा हो रहा है, इससे दंगे हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसमें भी अपना फायदा ढूंढते हैं।
अब दंगे होंगे तो राजनीतिक फायदा तो ढूंढेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। नहीं, लेकिन इस स्थिति में जैसे आप अंबेडकर विचार मंच चला रहे हैं, तो आप लोग जो एक लंबे समय से आप अंबेडकर विचारधारा को लेके चल रहे हैं, आप लोग, आप लोगों की एक बड़ी भूमिका हो जाती है इस स्थिति में प्रदेश में, क्या आप लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि समाज को आपस में जोड़ा जाए, जातियों को आपस में जोड़ा जाए, ना कि वही उनमें विभाजन पैदा करके और राजनीतिक लाभ लिया जाए, क्या ऐसा भी कोई संदेश आप लोग आम जनता हम लोग चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी से मैं निकला हूँ, 25 साल तक ने बहुजन समाज पार्टी में दिए हैं, अभी मैंने डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच बनाया है। मैं तो चाहता हूँ कि देश और प्रदेश में सभी संप्रदाय के लोगों में शांति बनी रहे, और शांति से अगर जो देश चलेगा वो उन्नति भी करेगा, देश संसार के अंदर हमारा नंबर एक पर भी आएगा, इसलिए शांति तो होना चाहिए। और शांति के लिए डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच हमेशा प्रयास करती रहेगी कि हमारे देश में, प्रदेश में, शहर में शांति बनी रहे। आप खरगोन शहर में रह रहे हैं, निमार के मूल निवासी हैं जी। इस समय निमार की सबसे बड़ी जो समस्या है वो आप कौन सी देखते हैं, जो जिसको सुधार किया जाना चाहिए, आम जनता इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित है? निमार के अंदर सबसे बड़ी जो मैं समस्या को देखता हूँ वह है शिक्षा, और शिक्षा के मामले में अभी हम लोग पीछे हैं। जैसे यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए निमाड़ के अंदर, निमाड़ के नाम पर या किसी महापुरुष के नाम पर या डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें, दो विश्वविद्यालय और ये एक नई बात आपने खड़ी कर दी है कि मेडिकल कॉलेज का नामकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे किया जाए। क्या दिक्कत है? बाबा भीमराव अम्बेडकर को निमाड़ में मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, आदिवासी समुदाय के लोग भी देखते हैं, आप देखते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने लगे हैं, मानते भी हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अगर मेडिकल कॉलेज खोला जाए तो क्या दिक्कत जाती है? मतलब हम ये मान लें कि आज इस कार्यक्रम के मंच से आप ये मांग कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का जो नामकरण हो वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण देश चलता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारण आप लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वजह से आप लोगों को राजनीति करने का अधिकार मिला है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अगर विश्वविद्यालय भी होता है तो क्या दिक्कत है, मेडिकल कॉलेज भी होता तो क्या दिक्कत है? बड़ी मजबूती के साथ एक नया एक मुद्दा और शुरू होने वाला है। यहाँ पर पूर्व बसपा नेता भगवान बरोले जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जाए उस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर नामकरण किया जाए। अब आने वाले समय में ये जो मांग है ये आम जनता के बीच कितनी पेट बनाती है और ये मांग कितने जोर शोर से उठती है ये आने वाला समय बताएगा। भगवान बरोले जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगामी राजनीतिक जीवन के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। आज पूर्व बसपा नेता भगवान बरोले से हमने चर्चा की, उन्होंने कई राजनीतिक कमियों को, खामियों को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का और विपक्षी दलों का जो विरोध है संसद को लेके वो अपनी जगह वाजिब है, लेकिन उन्होंने उन विपक्षी दलों को उद्घाटन समारोह में जाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये पूरे भारत का है। आज नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।